घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का और उससे छुटकारा पाने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कोलेस्ट्रॉल के बारे में न जानता हो। कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है और इसका जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो लीवर के द्वारा होता है, जो वसा को यानी चर्बी को लीवर से शरीर के अन्य भागों में जैसे मांसपेशियों में, टिश्यूज में और इंद्रियों और हृदय तक पहुंचाता है। ये बहुत जरूरी है कि LDL कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे। इसका स्तर बढ़ने पर ये रक्त नली की दीवारों पर जमना शुरू हो जाता है और कभी कभी नली के यानी हमारी नसों के छिद्र पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम करने का अर्थ है दिल को अटैक से और दिमाग को स्ट्रोक की संभावना से पूरी तरह से बचाना। आज हम आपको बताएंगे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को कम करने का एक बहुत ही आसान तरीका जो आपकी किचन में ही मौजूद है। जिस नुस्खे की हम बात कर रहे हैं वो है धनिया। धनिया हम सबके किचन में हमेशा मौजूद होता है और ये हमारी किचन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। दोस्तों, आपको करना सिर्फ ये है कि 2 चम्मच आप ये सूखा धनिया ले लीजिए और इसको 1 गिलास पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दीजिए। जब आप सुबह उठें तो पानी को छानकर इसका सेवन करें और साथ में धनिया को भी धीरे धीरे अच्छे से चबाकर खा लें। ये काम आपको लगातार 15 दिनों तक करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है यानी खराब कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम हो चुका होगा। दोस्तों, एक बार इस नुस्खे को शुरू करने से पहले अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं और 15 दिन तक लगातार इस नुस्खे का सेवन करने के बाद फिर से चेक कराएं। उसमें आप देखेंगे बहुत तेजी से आपके बैड कोलेस्ट्रॉल में गिरावट आएगी, उसका स्तर कम होगा और धीरे धीरे जरूरत के अनुसार आप ज्यादा दिनों तक भी इसको ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नई मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।